और जैसे जैसे ना मेरी प्रेगनेंसी का टाइम नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे प्रेग्नेंट है खुशी, आप लोग बता नहीं रहे हो, तो ये रही खुशी, आप पूछ ही लो खुद। एक पॉइंट बोला था आपने भगवान। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, अभी बज गए हैं 11, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी, क्योंकि मैंने जाना है दवाई लेने के लिए। उससे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी, जो हमारे पेड़ पौधे सूख रहे थे ना, फूल भी सूख रहे थे, ऊपर बेल भी सूख रहे थे, तो उसके लिए आप लोगों ने बोला था कि हम पहाड़ी हैं, हमें पता होना चाहिए कि पीरियड्स के टाइम पे फूल और पौधों को टच नहीं करते हैं। तो हाँ, हमें भी पता है हम नहीं करते हैं टच, और इसलिए हम अपने पास गोंद भी रखते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, बाहर से कोई बंदा आता है तो फिर उससे भी टच हो जाता है, तो हम लोग तो मानते हैं हम तो पहाड़ी है, जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है उसको हम फॉलो करते हैं। तो जो ये शहर के लोग हैं ना, तो उन लोगों को, काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि ये सब भी होता है करके, तो वो लोग फॉलो भी नहीं करते, इस वजह से भी हो जाता है। तो चलो अब हम लोग डाल ही लेते हैं एक बार गोंद, यहाँ फूलों में भी डाल लेते हैं और ऊपर भी डाल लेते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता गोंद क्या होता है, तो ये गौमूत्र होता है, तो अब हम इसको डाल लेते हैं। गौमूत्र तो सबको पता ही होता होगा कि क्या होता है करके। अब हम इसको पेड़ पौधों में छिड़क देंगे। अच्छा, छत में भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं। और अभी हमने यहाँ पे जो सब्जियां लगाई थी उगी नहीं है, अब इसको लगेगा टाइम। और आप लोगों के एक कमेंट आए थे, धनिया भी लगाओ, तो पापा ने धनिया पहले से लगा रखे हैं, और वो झाड़ी बनाई हुई है, देखो ये वो वहाँ पे उसके नीचे है, क्योंकि जो चिड़िया लोग जो है ना, चिड़िया लोग है ना, वो खा लेते हैं, इसलिए पापा ने ऊपर से झाड़ी झूड़ी लगा दी है। चिड़िया लोग है ना, वो खा लेते हैं, वो भी लोग ही है ना, वो भी है इंसान तो नहीं, मतलब वो भी जीव है ना। तो चलो आ जाओ, और धूप बहुत तेज है यार, हाँ वो तो है ही है, चल तू निकल, चुन्नी ऊपर कर ले पहले तुम, ये स्पाइक के लिए लगाया गया है गेट। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं दवाई लेने के लिए, सबसे पहले मैं अपनी दवाई ले लूं, और जैसे जैसे ना मेरी प्रेगनेंसी का टाइम नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मेरा मुंह ना इतना बड़ा बड़ा होते जा रहा है, और सिर्फ नाक मेरा मोटा मोटा होते जा रहा है, फेस पे थोड़ी स्वेलिंग भी आ रही है। तो अभी फटाफट से दवाई ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हमने जाना है जिया को लेने के लिए। और ना अभी इस टाइम पे ना मेरा एक ही सूट फिट आ रहा है मुझे, ये वाला, तो मैं बार बार रिपीट करके यही पहनी जा रही हूँ। और जो लास्ट टाइम मैंने सूट दिया था वो अभी सिला नहीं है, वो संडे तक आ जाएगा मेरे पास, और फिर उसके बाद जब श्राद्ध खत्म हो जाएगा ना, फिर 3-4 जोड़ कपड़े इकट्ठा लूंगी मैं। हाँ, कितने कपड़े खरीदेगी यार प्रिया? यार 9 महीने तक कपड़े ही खरीदने हैं, क्योंकि हर मंथ ना तो वेट बढ़ते रहता है, तो कपड़े ना फिर छोटे हो जाते, मतलब टाइट हो जाते, तो इसके वजह से खरीदना ही पड़ता है, ये सब पहले सोचना होता है, ठीक है? मेरी शर्ट देखिए कितनी टाइट हो रही है। यहाँ से टाइट होने में फर्क होता है, यहाँ से टाइट होने में फर्क होता है, ठीक है? अपना डोला दिखा रहे हैं, बोले देख ही लो गाइस एक बार, देख लो क्या कहना चाह रहे हैं, देख लो। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपने देखा कि पहले वाली जब सागर पे की शादी हुई थी, तब मैंने ये पहना था, और उस समय ये एकदम ढीली आती थी, आपको मैं क्लिप डाल दूंगा, मैंने देखा भी था, पर अभी मैं पहन रहा हूँ इसको तो इतनी टाइट होगी, तो मतलब खुशी हो रही है। धो के ना सिकुड़ गई है, कॉटन का कपड़ा धो के सिकुड़ गया, सिकुड़ कुछ नहीं किया है, बॉडी बन गई, खुशी हो जा रही है, खाली बॉडी बन गई है पहले से अच्छी, बस बनी है नहीं बनी यार, कमेंट करके बताओ, बता ही दो इनको एक बार, कमेंट करके बताना पहले से फर्क हुआ नहीं हुआ मेरी बॉडी में। चलो फिर अब ड्राइविंग में ध्यान दो, इसके बाद फिर हमने कहीं और भी जाना है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं दवाई लेके भी, और जिया को लेके भी घर आ गए हैं अभी। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला है कि 7वें और 8वें महीने तक आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, क्योंकि मेरा पहले सर्जरीन हुआ था ना जिया के टाइम पे, तो मेरे अभी पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं बैठ रही हूँ, चल रही हूँ या रेस्ट कर रही हूँ तभी भी। तो डॉक्टर ने बोला अभी आपको प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 7वें 8वें महीने में थोड़ा डर होता है ना, अगर 9वें महीने में भी दर्द हो या कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं प्रॉपर रेस्ट करने वाली हूँ, मतलब आज के बाद, आज क्योंकि हमने जाना है चाची चाचा के यहाँ मोतीनगर, वहाँ पे श्राद्ध है ना दादाजी का, तो हमारे इसमें ऐसा होता है ना कि या तो सबसे बड़ा वाला भाई या सबसे छोटे वाले भाई, वो ही दोनों श्राद्ध मना सकते, तो अभी हम लोगों ने नहीं मनाया, तो हम लोग अभी सारे जा रहे हैं वहाँ पे, मम्मी पापा सुबह चले गए थे, तो अभी हम रेडी हो गए। और ये रही खुशी, खुशी की मतलब अफवाह फैली है, पता है आपको कि हाँ और बोल रहे हैं खुशी दिख, और बोल रहे हैं खुशी दिख नहीं रही है, किधर है खुशी बताओ, किधर है, तो ये देख लो, ये रही खुशी। वही ना, वही तो मैं भी बोलूं, वो ना पापा के मुंह से गलती से निकल गया था, इसलिए ऐसा हो गया, वरना आपको भी पता लग ही जाएगा, पहले हमें तो पता लगे फिर आपको पता लगेगा ना। तो इतने सारे कमेंट आ रहे थे ना, खुशी किधर है, खुशी दिख नहीं रही है, प्रेग्नेंट है खुशी, आप लोग बता नहीं रहे हो, तो ये रही खुशी, आप पूछ ही लो खुद, होगा तो सबसे पहले आप लोगों को हाँ पता लग जाएगा। और ये यहाँ हमारी दुल्हन रेडी हो रही है, वाह, हम लोगों ने सूट पहना है ना सभी ने, तो बोलती मुझे भी सूट पहनना है, ये चले, अब चले रेडी
रेडी? मैं रेडी स्पाइकी, चल बेटा। तो इस बार हम स्पाइकी को भी लेके जा रहे हैं अपने साथ में, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था ना, हम लोग गए थे बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करने, खुशी का बर्थडे, तो इसने रो रो के इतना बुरा हाल कर दिया था ना, तो सब हमसे बोल रहे थे कि स्पाइकी को छोड़ के क्यों गए तुम लोग, वो रो रही थी। अब रेस्टोरेंट वगैरह में तो अलाउड नहीं करते डॉग्स को, तो हम ले जा सकते हैं, वहाँ पे अपना ही घर है, हम लोग ले जा सकते हैं, तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं। बचपन से इसकी आदत ऐसी हो गई ना, हमने इसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो अब रहती ही नहीं है ये। वो देखो आज स्पाइकी चले, चल बाहर चले, आ जा। अभी 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 ना, अभी कुछ मत करना, कुछ मत करना अभी। जिया चुप रहे, अभी अभी कुछ मत करना, हम नॉर्मल जैसे जाते हैं ना वैसे जाएंगे। अभी सब लोग जा चुके हैं, देखते हैं स्पाइक का रिएक्शन क्या होता है। स्पाइकी बाय बाय स्पाइकी। अभी स्पाइकी भी आ जाएगी, देखना गेट खोल के खुद ही। चल बेटा स्पाइक को लेके जाना, आ जा स्पाइकी बाय। अरे उसको ये पहले आ गई थी, ये तैयार है पहले जाने के लिए। चलो 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 चलो, आ जा गाड़ी में बैठ जा स्पाइकी, आ जा कम स्पाइकी, आ जा कम अंदर, आ जा अंदर, चल बैठ जा, ये जा स्पाइकी। रुक जा, तेरे लिए बिछा दूँ, तू नीचे चख ले। अरे बाल ही बाल कर दिए अब ये देखो ड्राइविंग सीट पे, स्पाइकी स्पाइकी ड्राइविंग करेगी, ड्राइविंग सीट पे चला गया वो, चुपचाप बैठेगी वो तब ना, अभी वो जा रही ड्राइविंग करने। जी हट जा, स्पाइकी ड्राइविंग करेगी, आ जा। आगे बस आगे आगे, ताले चाबी चाबी नहीं मिल रही थी, ये आगे नहीं ये पीछे, वो गाड़ी चलाएगी अब, ले ये बैठ गई अब ड्राइविंग सीट पे, अभी चलाएगी गाड़ी, कद्दू चलाएगी गाड़ी ये। चल पीछे बैठ जगह में, उसको गर्म हो रहा है तभी। हाँ फ्री, जल्दी चलाओ गाड़ी, फर्स्ट टाइम जा रही है स्पाइकी हमारे साथ ऐसे। नहीं एक बार जब हॉस्टल गई, हाँ तब गई, तब छोटी थी, अब घूमने जा रही है, घूमने कहाँ जा रही धाड़ी, इसको इसको वो हो रहा है, अजीब सा हो रहा है ना। चल प्रिया टूट पड़ा। तो यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका है। ये क्या चीज है प्रिया तेरे थाल में? ये बटू आपके थाल में, जैसे गुरुद्वारा में खाते हैं, हाँ मंदिर में लंगर खाते हैं, आज हमारा पितृ माता पिता का श्राद्ध, श्राद्ध का भोजन खा रहे हैं। तो इस भोजन में ये आइटमें हैं, मेरी फेवरेट खीर, आपकी फेवरेट है, खिचड़ी नहीं है खीर है, खीर और खिचड़ी में नमक होता है, खीर में दूध होता है, वही मेरे को पसंद है। तो गाइस पापा पहले चले गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं, और स्पाइकी मतलब आ ही नहीं रही है, उसको यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, मम्मी उसको लेके आ रहे हैं। स्पाइकी के लिए नई जगह है ना, तो जहाँ नई जगह जाते हैं तो स्पाइकी बहुत वो करते हैं कि मेरे को यहीं रहना यहीं रहना है। अरे ये क्या है सामान, ये वो खा नहीं पाई थी ना, मैंने कहा घर में आराम से जाके खाऊं। अच्छा वहां पे शर्म आ रही थी ना, इसीलिए घर में आराम से लेके खाऊंगी। चलो फिर अब निकलते हैं घर को, श्राद्ध का है सबको पहुंचना चाहिए ना खाना, इसीलिए जो आए नहीं इसलिए सबको चखना चाहिए, जो जो नीरज जी नहीं आया बस, और जनक नहीं आया। एप्पल 15 प्रो मैक्स, प्रिया प्रिया तेरे लिए यार मैं 15 प्रो मैक्स लाया हूँ, एप्पल 15 प्रो मैक्स। हाँ सच में उसमें सिर्फ एक डाटा केबल निकल रही है और एप्पल निकला बस, ये देख दे ना, देख है ना ऐसी, देख आधा सेब कटा हुआ है। हाँ छुप रहा हूँ ठीक है, ये डाटा केबल भी है साथ में, इसको चार्ज होता है इससे, ये सी टाइप है ही देख ना, सी टाइप चार्ज, ये देख चार्ज में घुसा इसको ऐसे, खराब होगा मेरा चार्जर है वो। दे फिर जिम में जा रहा हूँ मैं, देख ना यार प्रिया मैं अभी लेके आया खरीद के स्पेशली, मेरे लिए लाए थे ना फिर, ऐसे एक बाइट तो दे, एक बाइट देना, एक बाइट बोला था आपने भगवान। ये भी खा लेते, हड्डी खाऊं मैं। हम्म क्यों ये मसाले के दादा